हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज में जिसमें हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के टाइप देखने से पहले एक बार हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर, जो ये शब्द होता है, इस कंप्यूटर शब्द का क्या मतलब होता है। तो देखिए, कंप्यूटर, द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड कंप्यूट, यानी ये हमारा जो कंप्यूटर जो वर्ड है ये कौन सी लैंग्वेज से आया है, इंग्लिश लैंग्वेज से आया है। और इंग्लिश लैंग्वेज में वो कौन सा वर्ड है जिसका नाम है कंप्यूट, और कंप्यूट से हमारा कौन बना है, कंप्यूटर। इस कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट। कंप्यूट का क्या मतलब होता है, कैलकुलेट यानी गणना करना। तो इस प्रकार हम लोग कंप्यूटर को बोल सकते हैं कि यह है एक प्रकार का कैलकुलेटर है, यानी गणना करने वाली डिवाइस है। ओके, तो एक बार दोबारा देख लीजिए, यहाँ पर कंप्यूटर जो हमारा जो वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से आया है, इंग्लिश, और इंग्लिश में कौन सा वर्ड है कंप्यूट, और कंप्यूट का क्या मतलब होता है, कैलकुलेट। ओके, लेकिन कुछ बुकों में ये दिया हुआ है कि कंप्यूटर जो हमारा जो शब्द है वो लैटिन लैंग्वेज से आया है, लेकिन ये जो इंग्लिश वाला है ना, ये हमारी 9th क्लास की बुक में दिया गया है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 9th क्लास की बुक है वहाँ पर कौन सा दिया गया है, इंग्लिश, लेकिन कुछ बुक में यहाँ पर क्या दिया गया है, लैटिन दिया गया है। ओके, आगे देखिए, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर, प्रोसेस एंड रिट्रीव डेटा, यानी हमारा जो ये कंप्यूटर जो एक डिवाइस होती है, एक उपकरण होता है, ये कौन सी डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसलिए बोला गया है क्योंकि इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक के बगैर यूज नहीं कर सकते। अब आगे इसके कुछ उपयोग दिए गए हैं, उनको देख लीजिए एक बार। यानी जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर का जो उपयोग है वो डेटा को स्टोर करने के लिए, यानी किसी भी प्रकार की जो सूचना होती है उसको स्टोर करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, कंप्यूटर का। और यदि हमें किसी भी प्रकार की प्रोसेस करनी है, यानी किसी भी प्रकार की प्रक्रिया करनी है, जिस प्रकार हमें कैलकुलेशन करनी है, चाहे वो मैथमेटिकल से रिलेटेड हो, चाहे लॉजिकल से रिलेटेड हो, या अदर कोई भी प्रोसेस हो, तो वो हम लोग किसकी सहायता से कर सकते हैं, कंप्यूटर की सहायता से आराम से कर सकते हैं। एंड रिट्रीव डेटा, रिट्रीव का मतलब ये होता है कि जो भी डेटा कंप्यूटर में स्टोर पड़ा है उसको हम लोग देख सकते हैं, उसमें चेंज वगैरह आराम से कर सकते हैं। तो ये हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कंप्यूटर वर्ड का। ओके, आगे देखिए, कंप्यूटर और आगे दिया हुआ यहाँ पे संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में, यानी मूल हिंदी में क्या बोलते हैं, संगणक बोलते हैं। और ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, संगणक। अब हम लोग अपने मूल वीडियो पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ पर हमें देखना है कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, इसकी पहली लाइन, वी कैन कैटेगराइज कंप्यूटर इन टू वेज, यानी हमारे जो कंप्यूटर है उनको दो वे में हम लोग बांट सकते हैं। एक तो वैसे मुख्यतः होता है एप्लीकेशन, और दूसरा कौन सा होता है, साइज। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा और नाम दिया हुआ है, द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज। ये डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज और एप्लीकेशन दोनों एक ही चीज़ होती हैं। तो एप्लीकेशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अनुप्रयोग, और साइज का मतलब आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पर हम अपने कंप्यूटर को दो भागों में, सॉरी, दो वे में बांट सकते हैं। एक तो किसके आधार पर, एप्लीकेशन के आधार पर, और एक किसके आधार पर, साइज के आधार पर। तो बेस्ड ऑन साइज आवर कंप्यूटर इज थ्री टाइप्स, यानी एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग के आधार पर हमारे जो कंप्यूटर हैं वो कितने प्रकार के हैं, तीन प्रकार के। पहला कौन सा है, एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। अब इन तीनों कंप्यूटर के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे एनालॉग कंप्यूटर की। तो चलिए शुरू करते हैं एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, अब हमें ये देखना है कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं। तो देखिए इसकी पहली लाइन, एनालॉग कंप्यूटर आर डिजाइन टू प्रोसेस एनालॉग डेटा, यानी हमारे ये जो एनालॉग जो कंप्यूटर होते हैं इनको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है ताकि ये एनालॉग डेटा पे क्या कर सके, किसी भी प्रकार की प्रोसेसिंग कर सके। तो एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो कौन से डेटा पे काम करते हैं, एनालॉग डेटा पे काम करते हैं, या एनालॉग सिग्नल पे जो काम करते हैं वो कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं, एनालॉग कंप्यूटर। अब हमें ये देखना है कि ये एनालॉग डेटा या एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं। तो नीचे देखिए एक बार, एनालॉग डेटा इज कंटिन्यूस डेटा दैट चेंजेज कंटिन्यूसली एंड कैन नॉट हैव डिस्क्रीट वैल्यूज, यानी एनालॉग हमारे जो डेटा होते हैं वो कंटिन्यूस डेटा होते हैं। तो एक बार इनको देख लीजिए ये किस प्रकार होते हैं। अब देखिए इस पिक में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो सिग्नल है वो कंटिन्यूस फॉर्म में है, और ये चेंज होते हैं तो भी क्या होते हैं, कंटिन्यूसली होते हैं। इनमें डिस्क्रीट वैल्यू का उपयोग नहीं होता है। कौन सी वैल्यू का,
डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब होता है रुक रुक कर, इनमें वैल्यू यूज नहीं होती है। तो एनालॉग डेटा वे डेटा होते हैं जो कौन से फॉर्म में होते हैं, कंटिन्यूस यानी लगातार फॉर्म में होते हैं, वो कौन से सिग्नल कहलाएंगे, एनालॉग सिग्नल या एनालॉग डेटा। ओके नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एनालॉग कंप्यूटर्स डायरेक्टली एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम द मेजरिंग डिवाइस विदाउट फर्स्ट इट कन्वर्टिंग इट टू नंबर्स एंड कोड्स। देखिए यानी एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो क्या करेंगे, किसी भी डेटा को जो भी मेजरिंग डिवाइस है यानी जो भी डिवाइस है उससे डायरेक्ट डेटा एक्सेप्ट करते हैं और उनको किसी अन्य नंबर और कोड में चेंज नहीं करते हैं। तो देखिए एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो क्या करेंगे, हमारे जो भी मेजरिंग डिवाइस है उसे डायरेक्ट डेटा को लेंगे और उसको किसी अन्य लैंग्वेज में चेंज नहीं करेंगे। ओके आगे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल स्पीडोमीटर, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं स्पीडोमीटर को, तो ये स्पीडोमीटर आप लोगों ने देखा होगा, तो ये डिवाइस कौन सी डिवाइस का एग्जाम्पल है, एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। ओके आगे देखिए मरकरी, मरकरी भी आप लोग जानते होंगे, इसका जो उपयोग है वो बुखार वगैरह चेक करने में किया जाता है, इसको भी आप लोगों ने देखा होगा, तो ये भी डिवाइस कौन सी डिवाइस का एग्जाम्पल है, एनालॉग का। आगे देखिए स्लाइड रूल्स, स्लाइड रूल का जो उपयोग है वैसे मोस्टली जो उपयोग होता है मल्टीप्लाई और डिवीजन करने के लिए होता है, लेकिन इसकी सहायता से हम लोग अन्य मैथमेटिक कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, तो इसको भी आप लोग देख पा रहे हैं ये स्लाइड रूल्स होती है। आगे डिफरेंशियल एनालाइजर्स एंड क्रिस्टल क्लॉक, ये सभी जो एग्जाम्पल है यहाँ पर है ये एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। इन एग्जाम्पलों को आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल है या नहीं, तो इनको आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो दोबारा देख लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी, एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग डेटा पे प्रोसेसिंग करते हैं और एनालॉग जो डेटा होते हैं वो कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं, कौन से फॉर्म में होते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं, और एनालॉग जो कंप्यूटर होते हैं वो मेजरिंग डिवाइस से क्या करते हैं, डायरेक्ट डेटा को एक्सेप्ट करते हैं और उसको वो किसी अन्य भाषा में चेंज नहीं करते। इसके जो एग्जाम्पल वो स्पीडोमीटर, मरकरी, थर्मामीटर, स्लाइड रूल्स, डिफरेंशियल एनालाइजर एंड क्रिस्टल क्लॉक, तो ये हमारे हो गए एनालॉग कंप्यूटर। ओके अब हम बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर की, तो देखिए डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर हमारे वो कंप्यूटर होते हैं जो केवल किस पर काम करते हैं, जीरो और वन पर काम करते हैं। तो इनकी साधारण सी परिभाषा एक तो ये होती है कि वे कंप्यूटर जो केवल जीरो और वन पर काम करते हैं वो कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। नीचे देखिए, डिजिटल कंप्यूटर इज डिजाइंड टू परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, यानी डिजिटल कंप्यूटर को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है ताकि ये क्या कर सके, किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन कर सके और क्या कर सके, लॉजिकल ऑपरेशन कर सके। तो डिजिटल जो कंप्यूटर है इनका जो मुख्य जो उपयोग है वो किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन करने के लिए किया गया है। ओके आगे देखिए, इट एक्सेप्ट द रो डेटा एज इनपुट इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स और बाइनरी नंबर्स एंड प्रोसेस, यानी हमारे जो डिजिटल जो कंप्यूटर है वो रो डेटा, रो डेटा का मतलब होता है कच्चे आंकड़े, इनपुट के रूप में लेते हैं, किसके रूप में, इनपुट के रूप में लेते हैं, कौन से आंकड़े, कच्चे आंकड़े, और वो भी कौन से कच्चे आंकड़े, केवल डिजिट, डिजिट का मतलब यहाँ पर केवल किससे है, बाइनरी नंबर से, और बाइनरी का मतलब केवल क्या होता है, जीरो और वन। तो डिजिटल जो कंप्यूटर होते हैं वो केवल जीरो और वन को ही रो डेटा यानी इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करेगा और उनके ऊपर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, इस बात को ध्यान रखना। ओके आगे देखिए, ऑल मॉडर्न कंप्यूटर्स लाइक लैपटॉप, डेस्कटॉप इंक्लूडिंग स्मार्टफोन दैट वी यूज एट होम और ऑफिस आज डिजिटल कंप्यूटर। तो यानी हमारे जो भी मॉडर्न कंप्यूटर है यानी आधुनिक कंप्यूटर है, जैसे लैपटॉप बता रखा है, डेस्कटॉप है, मोबाइल फोन वगैरह है, स्मार्टफोन वगैरह है, तो ये हमारे सारे कंप्यूटर हैं डिजिटल कंप्यूटर है। ओके तो इन बातों को आप लोग ध्यान रखना कि डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो केवल किस पर काम करते हैं, जीरो वन पर काम करते हैं। तो हम घरों में, ऑफिसों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, कोचिंगों में जो भी कंप्यूटर वगैरह यूज करते हैं वो मोस्टली हमारे कौन से कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। अब हम बात करेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर की, तो देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर हैज फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर, यानी ये हमारा जो हाइब्रिड कंप्यूटर है इस कंप्यूटर में दोनों के फीचर्स पाए जाते हैं, यानी दोनों कंप्यूटर की विशेषता पाई जाती है, कौन कौन से की, एक तो एनालॉग कंप्यूटर की और एक डिजिटल कंप्यूटर की। तो ऐसा कंप्यूटर जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के फीचर्स पाए जाते हो यानी विशेषता पाई जाती हो वो कौन सा कंप्यूटर कहलाएगा, हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाएगा। ओके नीचे देखिए, इट कैन प्रोसेस बोथ कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट डेटा,
यानी हाइब्रिड जो कंप्यूटर है इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, एनालॉग के और डिजिटल के। एनालॉग हमारा जो कंप्यूटर है वो कंटिन्यूस डेटा पे काम करता है, और जो डिजिटल जो कंप्यूटर है वो डिस्क्रीट वैल्यू पर काम करता है, यानी 0 और 1 पर काम करता है, बाइनरी में काम करता है। इसका हाइब्रिड जो कंप्यूटर है वो कंटिन्यूस और डिस्क्रीट डेटा दोनों को एक्सेप्ट कर सकता है। ओके, आगे देखिए, इट एक्सेप्ट एनालॉग सिग्नल्स एंड कन्वर्ट देम इंटू डिजिटल फॉर्म बिफोर प्रोसेसिंग। यानी हाइब्रिड कंप्यूटर क्या करता है कि एनालॉग जो सिग्नल होते हैं उनको एक्सेप्ट करेगा, यानी इनपुट के रूप में किसे लेगा, एनालॉग सिग्नल को लेगा, और उनको किस में बदलेगा, डिजिटल फॉर्म में या डिजिटल सिग्नल में बदलेगा। कौन बदलेगा, हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके, आगे देखिए, सो इट इज वाइडली यूज्ड इन स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस वेयर बोथ एनालॉग एंड डिजिटल डेटा इज प्रोसेस्ड। तो इस कारण यानी हमारा जो ये हाइब्रिड कंप्यूटर है, कौन सा कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर का वहां पर ज्यादातर यूज किया जाता है जहां पर एनालॉग और डिजिटल दोनों सिग्नल का उपयोग किया जाता हो। ओके, आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल, ए प्रोसेसर इज यूज इन पेट्रोल पंप। तो यानी हमारे जो पेट्रोल पंप के जो कंप्यूटर होते हैं वो कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं, क्योंकि उनमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण मौजूद होते हैं। इनके अलावा यानी पेट्रोल पंप के अलावा जो कंप्यूटर होते हैं, एयरप्लेन्स में हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग होता है, हॉस्पिटल में आप लोगों ने देखे होंगे तो वहाँ पर भी हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज होता है, और कुछ साइंटिफिक एप्लीकेशन होती है वहाँ पर भी हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो एक बार दोबारा देखिए, यानी ये हमारा जो हाइब्रिड जो कंप्यूटर है इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों सिग्नल का उपयोग किया जाता है। ये एनालॉग सिग्नल को एक्सेप्ट यानी इनपुट के रूप में लेता है, और उसको प्रोसेसिंग करने से पहले किस में बदलेगा, डिजिटल फॉर्म में बदलेगा। तो ये कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों सिग्नल पे काम करता है। ओके, तो ये हमारे एप्लीकेशन के आधार पर जो कंप्यूटर के प्रकार थे, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, इन तीनों टाइप के कंप्यूटर को हमने पढ़ लिया है। यदि आप लोगों को कोई क्वेश्चन वगैरह हो, कोई क्वेरी हो, तो आप लोग मेल कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।